सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। और आपको प्रमाण पत्र बनाना चाहिए नियमों से जुड़ जाके। आज हम मजबूर हैं, आज हमें सोचना पड़ रहा है। श्री रामपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल धनवंतराय तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है, अभी आवाज दो, आवाज दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी अभी 2019 को एक शासनादेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गड़रिया जाति में जो उपजाति धनगर है, धनगर जाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, उसको प्रमाण पत्र जारी किए जाए। ये समस्त मंडलाध्यक्षों को और जिलाधिकारियों को ये शासनादेश जारी किया गया है। जनपद जालौन में हम लोग करीब 28 जनवरी को ही जिलाधिकारी महोदय को इस शासनादेश के आधार पर ज्ञापन दे चुके हैं कि ये शासनादेश के आधार पर जनपद जालौन में धनगर जात के लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके बाद भी जब कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है तो हम लोगों ने फिर एक ज्ञापन दिया और आज हम लोग जो दूसरा मेमोरेंडम इस बात का दे रहे हैं कि यहाँ जनपद जालौन में धनगर जाति का 2015 में प्रशासनिक आधार पर सर्वे भी हो चुका है, गांव-गांव में प्रत्येक घर में कितने लोग धनगर लोग रहते हैं और परिवार रजिस्टर में भी धनगर जाति अंकित है। इसके बावजूद भी तहसीलदार स्तर से धनगर जात के लोगों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।